बदकिस्मती से कि जब ये नेशनल फाइनेंस कमीशन हुआ उसके बाद जिस तरह भी जो मेजर शेयर मिला सूबों को, लेकिन उसमें 18वीं तरमीम की शिक 140A जो बड़ा क्लियरली लोकल गवर्नमेंट की बात करती है उसके तहत आपको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाना था। आज पूरे 11 साल हो गए हैं कि अरबों रुपए, और अगर मैं एक साल का उठाती हूँ तो सिर्फ 630 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया है सूबे को। सूबे का राइट था, उस डिस्ट्रिक्ट का राइट था कि जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत उनको वो पैसा मिलना चाहिए था। अगर 63 अरब रुपया उस मद में सिंध में गया, आप मुझे बता दीजिए कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में लगा है, और अगर ओवरऑल आप देखें तो सिर्फ सूबा सिंध को एक साल में 1 ट्रिलियन पैसे आए हैं। किस जगह लगाया? कराची जैसे शहर का वो हो गया, और आप रूरल को तो भूल जाइए जो वहाँ सूरत हाल है। मैं तो नैप से भी बड़ी नाउम्मीद हुई हूँ, इतना कुछ उनके सामने है, और जो एक पत्थर भी उठा के देखेंगे तो वहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन आपके सामने आएगी। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, आज भी मेरे हलके में 600 स्टूडेंट हैं तो उनके ऊपर एक टीचर मौजूद नहीं है। एजुकेशन का हाल बुरा है, हेल्थ का हाल बुरा है, पीने का साफ पानी नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 10 साल में हर साल अगर 1 ट्रिलियन इनके पास आया तो वो पैसा कहाँ गया? और क्योंकि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं दिया जाता, उसलिए वो सिर्फ हुक्मरानों के हाथों तक महदूद होकर रह जाता है, और ये कंप्लीट एक कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हो रही है। ये पूरे 18वीं तरमीम की वायोलेशन कर रहे हैं बाय नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट।